हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोड़ा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोड़ा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।
ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी।
देवराज फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है।
आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित
और विदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर NTR का काफी क्रेज है। RR के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर NTR इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और विदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में NTR के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर NTR का काफी क्रेज है। RR के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर NTR इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और विदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में NTR के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को
के दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर NTR का काफी क्रेज है। RR के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर NTR इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में NTR के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर NTR का काफी क्रेज है। RR के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर NTR इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में NTR के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में
जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक
इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना
तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले सी विक्रम सी निवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर
कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले जी विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर NTR का काफी क्रेज है। RR के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर NTR इससे पहले जी विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अरविदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में NTR के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर NTR का काफी क्रेज है। RR के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर NTR इससे पहले जी विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित
और विदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और विदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे है। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आए हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आती रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एक खास डांस नंबर होने वाला है, जिसमें एक स्टार अभिनेत्री अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगी। देवरा फिल्म पहले दिन से ही खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म से हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तेलुगु सिनेमा में कदम रखेंगे। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली है। हिंदी दर्शकों में जूनियर एनटीआर का काफी क्रेज है। आरआर के बाद हिंदी भाषी दर्शकों में भी उन्हें पसंद करने वाले तादाद काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रसिद्ध निर्माता करण जौहर और अनिल खंडानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट खरीदे हैं। निर्माता इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में एक खास डांस नंबर भी रखा गया है, जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जलवा बिखरती नजर आएंगी। बता दें कि पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर इससे पहले श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और विदा समेथा में भी काम कर चुके थे। ऐसे में एनटीआर के साथ एक बार फिर से उन्हें थिरकते हुए देखना फैन के लिए बड़ा तोहफा होगा। पूजा हेगड़े की पिछली कुछ फिल्में नहीं चल सकी है, ऐसे में उन्हें भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होगी। देवरा को कोरा तारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को
के दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। पीरियड एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद ली है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनके फैन बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।